अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त रोहोस फिर से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ आईटी लैंड पे मौजूद है। इनके पास वैरायटी आ चुकी है। आज की वीडियो जो बनने जा रही है, ग्राफिक कार्ड्स वाले सारे लैपटॉप होंगे और हम मिड रेंज भी कवर करेंगे। हमारे साथ अबू बकर भाई मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम अबू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल जवाब साहब? अलग वैसे ठीक है? अलग शुक्र, आप सुना ठीक है? बहुत शुक्र, अलग है, ठीक ठाक। सही आप है। सुनाएं। ये काले 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 ब्लैक ब्लैक लैपटॉप आप आज सारे सारे ग्राफिक वाले लैपटॉप हमने कवर करने हैं आज। इसमें मतलब जो पहली वीडियो मतलब पार्ट है ना, वो हमारा ग्राफिक है। ठीक फिर है नेक्स्ट पार्ट में दूसरे सिंपल लैपटॉप भी आ जाएंगे, ठीक है, मिड रेंज में मिड भी रेंज कवर में भी करेंगे। आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं हमारे को? सबसे पहले 6 GB कार्ड वाली मशीन है, 7730। अच्छा, छः जी ये बी हाँ जी, ये है डेल की 7730। ठीक है। ये कोर i5 8th जनरेशन में आती है और इसके अंदर एच प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है। बाकी इसमें 16 GB रैम, 512 GB SSD लगी हुई है और इसमें 6 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, एनवीडिया क्वाड्रो P3200। ठीक है, ठीक है, और ओके। इसमें 6 GB कार्ड है। ये 17 इंच में लैपटॉप आती है, 17 इंच में, ये गाइस देख सकते हैं आप इसका और ऊपर से डिस्प्ले। इसका जो वो है स्नेक में, वो मतलब डिज़ाइन जो है इसका। ठीक है, मतलब ये जब कोर आई इस फाइव 8th जनरेशन, 6 GB का इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है P3200। ठीक है, 16 GB 512 GB SSD के साथ ये 1,48,000 में मिल जाएगी, ठीक है जी, 1,48,000 फोर्टी एट में थाउजेंड आप यहाँ छः जी बी ग्राफिक कार्ड i5 8th जनरेशन आईटी लैंड से हासिल कर कर सकते सकते हैं हैं। हमारे अबू अगर भाई से जी। हाँ इसके जी, बाद नेक्स्ट मॉडल का इसके बाद आ जाती है 4 GB कार्ड में, डेल की प्रसियंस 7530। ठीक है। अच्छा, ये डिस्प्ले सब बहुत खूबसूरत है हाँ, यार, ये वैसे असल में ना, टच स्क्रीन के साथ हाँ है, इसलिए इसके अंदर ना मतलब ठीक है। ग्लास वाला टच लगा हुआ है। सही है जी। अभी क्या है इसके अंदर ये इस है पर? जवाब भी, कोर i7 8th जनरेशन, एटी ठीक है। एट फिफ्टी एच का प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें ठीक है। और इसमें 16 GB रैम है, 512 GB SSD और इसमें 4 GB एनवीडिया क्वाड्रो P1000 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ ठीक है, है और क्वाड्रो। ये टच स्क्रीन के साथ। हाँ, ये मैं कार्ड दिखा दूँ ज़रा एक बार आपको। एनवीडिया क्वाड्रो P1000 है। और ठीक है, ये प्रोसेसर पे जाइए एक बार, वो पहले ना i7 8th जनरेशन 8850H प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें। 9 MB कैशे के हाँ साथ जी, है और रैम है 16 GB इसके अंदर 16 GB। जी। ये देखें ऊपर से इसकी कंडीशन, और ये गाइस जो ये चीज़ होती है ना, इसको ये मैट्रिक्स बड़ा में स्नैक खूबसूरत लगता डिस्प्ले है होता इसके है, साथ ना, मतलब बड़ी। ख़राब नहीं होता हाँ ये, जी, इस पर कोई निशान नहीं डेल पड़ने वाला। परसियन 7530 ठीक हो गया सर। विद ऑल द स्पेक्स कितने का देने जा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? सही कोर आई लगेगा। सेवन 8th जनरेशन 16 GB रैम 512 GB SSD, ये आपको 1,40,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, 140 140 में। वन फोर्टी आइस एट वन वो वन फोर्टी फोर्टी एट ठीक है, वन वो फोर्टी i5 में आ जाता है ना, ये जी जी बट ठीक, i7 में। ओके होगा, ओके होगा, सही होगा। और इसके 7530 था ये। इसके बाद आ जाती है 7530 7520। ये बीस है, ये देखें नीचे से दिखाते हैं आपको इसका, मेरा ख्याल है ऊपर ही लिखा हो, प्रसीजन 7520। ठीक है, ये मॉडलिंग ठीक हो अच्छे गया ना यहाँ पे अभी ये टच को, है। हाँ जी, ये भी टच ग्लास टच में। ये कोर i7, ये आपको जिस तरह दिखा रहे हैं, कोर i7 7th जनरेशन में है, 7820HU प्रोसेसर लगा हुआ है, वही मतलब कोर्स 4 हो जाते हैं। ठीक हो गया, और इसकी कैशे 8 MB आ गई। सही है। ठीक हो गया, बाकी इसमें भी 16 GB रैम है, 512 GB SSD ड्राइव लगी हुई है, बाकी NVMe है ना, हाँ जी NVMe। NVMe, और इसमें एनवीडिया का कार्ड लगा हुआ है, 4 GB डेडिकेटेड एनवीडिया क्वाड्रो M1200। ठीक है, 4 GB का हाँ डेडिकेटेड जी, ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, और बाकी डिस्प्ले आप देख रहे होंगे या बैटरी टेन बैकअप बाय तो? टेन और हाँ इन मतलब ये ग्राफिक वाले लैपटॉप में अच्छा ही निकाल जाते हैं, सही है। बट ये मतलब अगर इस पर वर्क करेंगे तो ये 2-2.5 घंटे तक देगा, वैसे ये ठीक है, 3-3.5 घंटे तक बैकअप दे जाते हैं। ठीक है। इसका भी वही ऊपर से, स्नेक डिस्प्ले हाँ जो जी, इन्होंने वो स्नेक जो टेक्सचर में स्नेक की जो, बॉडी होती है ना, वो हाँ जी वैसे ही इसका वो ऊपर से आया, वो जल्दी क्या, हाँ जी, वैसे उसकी तो उतर जाती है वैसे कुछ, मेरे ख्याल से सालों के बाद सालों बाद, लेकिन वो इसकी नहीं टंकों से पता नहीं उतरेगी। कहाँ से उतरते हाँ जी, हैं, इसकी नहीं लेकिन उतरेगी, इसकी नहीं इसकी सही उतरेगी। रहेगी। ठीक हो गया गाइस। जवाब ये हाँ कोर i7 सेवन जनरेशन 4 GB ग्राफिक कार्ड 16512 1,18,000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है, 1,18,000 में, टच खूबसूरत डिस्प्ले टच डिस्प्ले के साथ। यहाँ से आईटी लैंड से आप हासिल कर सकते हैं, आईटी लैंड मौजूद है MCT प्लाजा में एम गाइस सी टी जी प्लाजा। सर। इसके बाद इसके नेक्स्ट। बाद आ जाता है जवाब भाई, ये भी पर्सियन है, मतलब जिस तरह वो टच में आ गई थी ये नॉन टच में है। इस ये भी मॉडल भी सेम है 7520। ठीक है, ठीक है, ये नॉन टच में भी अवेलेबल है। अच्छा सेम, हाँ जी सेम और स्पेक्स भी सेम होंगे, कार्ड वगैरह सेम इसके अंदर है, है सेम ऐसे? है। ये भी कोर i7
ये सिक्स जनरेशन में है। अच्छा, कोर आई सेवन सिक्स जनरेशन, 7520 है वो, सेवन थी ये बट सिक्स है। कोर आई सेवन सिक्स जनरेशन, इसमें भी एच क्यू प्रोसेसर है जिसकी वजह से 4 कोर्स हैं और कैशे इसकी 8 है, 16 GB रैम, और इसमें 256 GB SSD ड्राइव लगी हुई है M2S और इसके अंदर 4 GB का कार्ड है NVIDIA Quadro M2200। ठीक है, M2200 लेकिन टच नहीं है, ये टच नहीं है, नॉन टच में है ये। सही है, जिसको नॉन टच में चाहिए वो भी अवेलेबल है इनके पास। जी सर, Core i7 सिक्स जनरेशन 16 GB 256 GB 4 GB कार्ड के साथ 1,05,000 रुपये मिल जाएगी। ठीक है जी, 1,05,000। देखिए हम ऐसा ऐसा नीचे आ रहे हैं मेरा एक है। इस बार हमने ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, पहले हम नीचे की तरफ से जाते हैं, मतलब हम थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं। हाँ जी, सही है। इसके बाद फिर लैपटॉप आता है गाइस डेल का, और ये भी मेरे ख्याल से वही सीरीज होगी, 7510 आ जाती है ये, 7510। ये i7 सिक्स जनरेशन, इसमें भी एच क्यू प्रोसेसर है, मतलब वही 4 कोर्स और 8 MB कैश है। ये 16512 और इसमें बट कार्ड लगा हुआ है 2 GB का, AMD Fire Pro W और समथिंग करके ये कार्ड लगा हुआ है, दिखा दें। ठीक है, और इसमें 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। ये 16512 i7 सिक्स जनरेशन, इसकी क्या प्राइस दें जवाब दिया? इसकी अच्छी देना प्राइस, बस अच्छी दें, 80,000 में मिल जाएगा ये। अच्छी प्राइस दे दी आपने 80,000 में, क्योंकि सूरज चलते हैं। i7 6 16 GB 512 और 2 GB का ग्राफिक कार्ड। आपको भी पता है स्टूडेंट्स का बजट तो है, बड़ी मुश्किल से बनता है। बिल्कुल, बना लेते हैं, बना ले जी 80,000 का गाइस ये खूबसूरत लैपटॉप, यहाँ से आप विद ग्राफिक कार्ड, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ यहाँ से हासिल कर सकते हैं Adreno से जी। नेक्स्ट, इसके बाद HP की एक डायमंड कट, बड़ी खूबसूरत आपने डायमंड कट HP के न्यू लोगो के साथ ये मशीन, और ग्रे, आई थिंक कौन सा इसको बोलते हैं, डार्क ग्रे, क्या है कलर इसका? मैं ये ग्रे कलर में आती है, ग्रे कलर में इसको कह सकते हैं। ये ZBook 15G5 है, ZBook 15G5। सही, अब चलते हैं इसकी, ये है कोर i7 8th जनरेशन, कोर i7 8th जनरेशन 8750H का प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, मेमोरी इसकी 16 GB है। अच्छा गाइस, आपको लाइन में थोड़ी फ्लक्चरिंग नजर आ रही होगी, ये लाइटें हैं वो आ रही है, इसमें कोई निशान नहीं है, ये ना दे लीजिए। अब जैसे इसमें 32 GB रैम लगी हुई है, ठीक है, ठीक हो गया, 512 GB SSD लगी हुई है, और इसमें 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड NVIDIA Quadro P1000। चले जी, इसमें भी छः कोर्स हैं, ठीक है, ठीक हो गया, और 9 MB कैश है, 9 MB कैश है, L3 कैश है, L3 जो होती है वो कैश होती है बेसिकली, वहाँ से देखते हैं हम आप जवाब भी। ये कोर i7 8th जनरेशन 32 GB रैम 512 GB SSD 1,45,000 रुपये मिल जाएगी। ठीक हो गया जी, 145K 8th जनरेशन i7 8th जनरेशन। ठीक है जी, कहाँ है ग्राफिक कार्ड वाले लोगों, ये आप लोगों के लिए वीडियो है खासतौर पर आज की जी। इसके बाद आती है ZBook 15G3, ठीक है जी, ZBook 15G3, ये देखें, ठीक है, स्लिम में आती है ये वाली मशीन है ना, स्लिम में है, ठीक है, बाकियों से काफ़ी स्लिम है। हाँ जी, चले जी गाइस, इसको हम अभी ऑन कर लेते हैं, स्लिप पे चली गई, चले गई, हो जाती है ऑन, हो जाती है ऑन, ये मैं पावर बटन दबाएं, अब ऑन हो गई। चले जी, ये हम दिखाते हैं आपको इसकी परफॉर्मेंस अभी जाके प्रोसेसर में। ये Core i7 6th जनरेशन 6600U का प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, बाकी इसमें 2 कोर्स हैं और 4 MB कैशे हैं, बाकी ये 16 GB रैम है, इसमें 256 GB की SSD ड्राइव लगी हुई है, ठीक हो गया, और इसके अंदर 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है AMD Fire Pro W 4190M, ठीक हो गया, 4190M, ठीक है, आप देख रहे होंगे गाइस, आप और ये देख भी आ रहा होगा, ठीक है जी, और ये खूबसूरत बैकलाइट भी है गाइस इसके अंदर, इस बैकलाइट 1080p स्लिम है, स्लिम लाइट वेट है, लाइट वेट, हाँ स्लिम देख रहे जी जी, बिल्कुल पोर्स बेहतरीन हो गया। कोर i7 सिक्स जनरेशन 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, ठीक है, i7 और 16 GB 256 GB कितने की? 74,000। ओए मैं सीरियसली पता है, मुझे मेरे ज़हन में आया था कि शायद 80 तक जाएंगे, लेकिन ठीक है आपने वही 74,000 सोच रहा था, वही पास पास ही आ गया। ठीक, इसके बाद आ जाती है कि ZBook 15G2, ठीक है, ये कोर i7 4th जनरेशन में आती होती है लैपटॉप, मतलब ये अब लो बजट में आए तो ये वाली मशीन आ जाती है, फिर इसमें 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, ठीक है, ठीक हो गया, ये है i7 4th जनरेशन, ठीक हो गया, और इसके बाद वही 16 GB रैम 256 GB SSD और इसमें 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है NVIDIA Quadro K2100M, ठीक हो गया, i7 4th
बैकलाइट भी है इसके अंदर, 2GB ग्राफिक कार्ड, ठीक है, और 16GB रैम, 256GB SSD के साथ 50,000 रुपये में मिल जाएगी। चलिए जी गाइस, 50,000 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा, i7 4th जनरेशन है, बेहतरीन हो गया जी। कॉर्डो का के 12,000 आई थिंक 1200 था समथिंग कार्ड, यहाँ से ये लैपटॉप मिल अंडर 50 मतलब 50,000 भी आप यहाँ से आईटी लैंड से बाय कर सकते हैं। उसमें 16GB रैम है, 16GB रैम, 16GB रैम है जी। नेक्स्ट उसके बाद आती है लिनोवो की T570, ठीक है जी, जिस तरह आपकी T570 लैपटॉप कंडीशन देखें भाई, टाइपिंग का मजा है लिनोवो पे, बाकी पे भी आएगा लेकिन इनके कर्व जो कोर i7 6th जनरेशन, इसमें 16GB रैम आ जाती है, फिर 256GB SSD ड्राइव आ जाती है, और इसमें भी 2GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, NVIDIA G4 940MX, ठीक हो गया। i7 6th जनरेशन, 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, 16GB 256GB SSD के साथ, कितने की 10x10 कंडीशन, कंडीशन ओके, 70,000 में मिल जाएगी। i7 6th जनरेशन, 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, 16GB RAM, 256GB SSD drive के साथ 70,000 में मिल जाएगी। 70,000 की गाइस आप यहाँ से आईटी लैंड, ये भी स्लिम मशीन है, देख रहे हैं। और बाकी इसमें जो मजे की बात है ना, नम पैड आ जाता है और बड़ी स्लिम सी, अगर स्लिम में आ जाए तो बड़ा खूबसूरत लगती है चीज़, बिल्कुल ऐसी अलर्ट बट भी होती है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके बाद आ जाती है लिनोवो की T460P, ठीक है, T460P, ठीक है, ये 14 इंच में मशीन आ जाती है, i7 6th जनरेशन। अब इसमें मजे की बात है, HQ प्रोसेसर आ गया है, जिसकी वजह से इसके कोर्स 4 हैं, कैशे 8MB तक चले गए हैं, ठीक हो गया। इसमें 8GB रैम, सॉरी ठीक है, 512GB SSD लगी हुई है, ठीक है, 8GB 512GB SSD, और इसमें 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड 2GB NVIDIA G4 940MX MX का, ठीक है। बैकलाइट कीबोर्ड, 1080p स्क्रीन, 14 इंच में, ठीक है, ओके हो गया। i7 6th जनरेशन, 8GB रैम, 512GB SSD के साथ, ये आपको 58,000 में मिल जाएगी। 58,000 की i7 6, 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, 8512 के साथ। चलें जी, अब सेकंड पार्ट आ रहा है वीडियो का भी। हाँ जी, अभी लेने का, ये सारे लैपटॉप यहाँ से गायब होंगे और आपको दूसरे जो मिड रेंज वाले, मिड रेंज में आते हैं, जो मतलब ऑफिस यूज वगैरह के लिए काम होते हैं, हाँ, वो फिर लैपटॉप, वो लैपटॉप अभी आ जाएंगे सामने, देखिएगा जरा ये गायब। हाँ। जी तो गाइस, दूसरे लैपटॉप हमारे सामने आ चुके हैं, जरा देख सकते हैं आप, ये मिड रेंज सारी सीरीज है। और अबू बकर साहब जरा बताएं, सबसे पहले कौन सा लैपटॉप दिखा रहे हैं? सबसे पहले हम करेंगे 7490 डेल की है, कोर i5 8th जनरेशन, इसमें 8GB रैम है, 256GB SSD ड्राइव है, ठीक है, बाकी 14 इंच डिस्प्ले में आती है, बैकलाइट और 1080p है, ये आपको 8GB 256GB के साथ 60,000 रुपये में आईटी लैंड से मिल जाएगी, ठीक है, 60,000 डिस्काउंट जी, सिर्फ आपके लिए, RJ के रेफरेंस से जो भी आएगा 60,000 रुपये में, i5 8th जनरेशन, 8GB 256, उसमें एक डेल की मेरे पास आई है 7420 लैटिट्यूड, 7420 कोर i7 11th जनरेशन है, इसमें 16GB रैम है, 256GB SSD ड्राइव है, i7 11 16GB रैम, 256GB SSD, ये आपको आईटी लैंड से 1,15,000 रुपये मिल जाएगी, i7 11, ठीक है, 1,15,000 रुपये की गाइस। और नेक्स्ट पे चलते हैं, उसके बाद आती है डेल की न्यू लोगो में मशीन, HP डेल नहीं, HP, न्यू लोगो में, i5 10th जनरेशन, इसके अंदर 8GB रैम, बिल्कुल ओपन करते हैं, ये देखें गाइस खूबसूरत लैपटॉप, 180 पे जाएगी, ये 360 नहीं है, टच नहीं है, तो जरा परेशान हो, ये देखें जरा, ये 8GB लुक्स देखें इस लैपटॉप के, साइडों से आपको नजर आ रहा होगा अच्छे तरीके से, क्या चीज़ है यार ये, ठीक है। और ये हमारे सामने मौजूद है, बिल्कुल कोई इस पे स्क्रैच नहीं है, कहीं से लग ही नहीं रही कि यूज़ में है, बट है ये यूज़ में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ओपन बॉक्स भी मैं इसको नहीं कहूँगा, यूज़ में आती हैं ये चीज़ें, लेकिन कंडीशन बिल्कुल ओपन बॉक्स टाइप है जी। आप बताएं स्पेक्स और फिर प्राइस। i5 10th जनरेशन, 8GB रैम, 256GB SSD, 105,000, ठीक है, 105,000 मतलब 1,105 के, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद एक ना HP की है, ZBook Studio G4 कोर i7 7th जनरेशन, इसमें 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, कौन सा देखना पड़ेगा, देख लेते हैं देखना पड़ेगा, यूं याद नहीं है,
कोई मसला याद नहीं, पता क्या होता वो हो जाता है कि मैं कस्टमर जो है ना, जाहिर आपने इतने लैपटॉप कवर किए हैं तो बिल्कुल भूल जाता है, इतने बड़े से किसी किसी का नहीं याद रहता, किसी का याद रहता है। कमेंट फिर कर देते हैं वो कि कौन सा बता बताएं, आपने बताया नहीं ग्राफिक कार्ड में, ये बस ऑन हो गई है, ऑन करके इसको बता भी देते हैं आपको, ग्राफिक कार्ड दिखा भी देते हैं कौन सा लगा हुआ है, 2 GB का एक्जैक्टली i7 7th HP प्रोसेसर, ठीक है, इसके अंदर 4 कोर्स आ जाते हैं, ठीक है, और 8 MB कैश है इसमें लगा हुआ है, NVIDIA Quadro M620, ये भी ना बात, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड 2 GB का गैस ग्राफिक कार्ड, i7 7th 2 GB ग्राफिक कार्ड, 16 GB RAM, 16 GB RAM, 256 GB SSD, कितने की सर देंगे हमारे, 92,000 में मिल जाएगी, 92,000 की ब्यूटीफुल लैपटॉप, ओके, मिंट कंडीशन, साफ सुथरी है ये मशीन, आपको यहाँ से 92,000 के गाइस अंडर 1 लाख के बजट में मिलेगी, ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। उसके बाद आती है डेल की लैटिट्यूड 5570, कोर i5 6th generation, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 48,000 चैलेंज 48,000 में गाइस, i5 6 8 GB 2000 नंपैड कीबोर्ड के साथ है ये, ठीक है। उसके बाद आती है T470, अगर यहाँ से नज़र आ रहा हो बल्कि इसको T470 i5 7th generation, इसमें मेरे पास ना T470 और 70S दोनों क्वांटिटी में पड़े हैं, T470 और 70S, ये आपको 8 GB 256 GB SSD i5 7th generation 14-inch बैकलाइट कीबोर्ड 1080p स्क्रीन रेजोल्यूशन, ये आपको 49,000 में ITLand से मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट लैपटॉप मैं कवर करने जा रहा हूँ डेल लैटिट्यूड के 5400 और ये सीरीज है कोर i7 8 जनरेशन है 8256 के साथ फुल HD 1080p में ये होगी, बैकलेट भी मेरे ख्याल से इसके अंदर ऑप्शन मौजूद होगा, और बैटरी टाइमिंग अगर बताता चलो इसकी ऑब्वियसली 3 से 4 घंटे होगी, लिथियम आयन बैटरी है इसके अंदर, ये मॉडल हम आप देख सकते हैं इस लैपटॉप का, और कंडीशन पोर्ट्स वगैरह आपके सामने हैं इसकी, ठीक है साइडों से, और कोई ऐसा निशान भी नहीं है। अब प्राइस की बारी अबू बकर भाई की है, मैं नहीं दूंगा प्राइस, कितने के देंगे सर ये i7 8th generation 8 GB RAM 256 GB SSD 69,000 में यहाँ i7 8th generation ITLand से ये दिखाएं जरा इनका लोगो शो को भाई, इन्होंने पूरा ब्रांडिंग की अपने शॉप की, पूरा इसको एस्थेटिक लुक बना दिया सारा इसका। जी, इसके बाद आती है डेल की लैटिट्यूड 7390 2-in-1 है, लाइट वेट है, 2-in-1 मींस 360 rotate, ठीक है, टच स्क्रीन के साथ है, कोर i5 8th जनरेशन 8 GB RAM 256 GB SSD 8 GB 256 GB के साथ ये 58,000 में मिल जाएगा, और इसकी मजे की बात इसमें टाइप सी चार्जर लगता है, टाइप सी है और 360 है, टच है 8th जनरेशन, यकीन माने देखें जरा कीबोर्ड दिखाएं जरा पास आके सर, इसका 360 है ना, 360 टच है, ये देखें गाइस कीबोर्ड बिल्कुल मतलब फ्रेश कीबोर्ड है, 58,000 अच्छी प्राइस है, ठीक है बेहतरीन होगा, थैंक यू सो मच यार अबूबकर भाई, आपके कितने टाइम का सर नंबर बताएं और एड्रेस बताएं, ये पहले नंबर बता देते हैं, मेरा नंबर है 0303-8453-376, उसके अलावा हमारी शॉप है ये मेन बुलेवार्ड हफीज सेंटर गेट 1 के बिल्कुल एडजेसेंट, ये प्लाजा है MCT मोबाइल सेंटर टेक्नोलॉजी प्लाजा है, नीचे MI और सैमसंग की शॉप्स होंगी, उस प्लाजे में आप इंटर होंगे, फर्स्ट फ्लोर पे 5 नंबर शॉप है ITLand, यार लेना ना लेना अलग बात है, बंदे से मिले आप खुश होंगे, एक और इनके भाई हैं साथ ही होते हैं उनसे भी मिले डबल खुश होंगे, अब बड़े ये हेल्थी कन्वर्सेशन करते हैं, मशवरे चलते हैं, थैंक यू सो मच अगेन, ओके जो आदमी इस वक्त आपके दोस्त ITLand से अचार चल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, लास्ट भी अपने कमेंट से फीडबैक इजहार कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़ गाइज़।